नमस्कार दोस्तों, और इस चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और न्यूज रिलेटेड वीडियोज आपको एक ही चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर नारेबाजी करने के आरोप में CISF ने 6 लड़कों को हिरासत में लिया है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा संभालने वाली सुरक्षा एजेंसी CISF ने कहा है कि शनिवार को सुबह 6 युवक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मौके पर मौजूद CISF जवानों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया। CISF के मुताबिक इस घटना का मेट्रो परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जब मेट्रो राजीव चौक स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी तो इन लड़कों ने नारेबाजी की। PTI के मुताबिक ट्रेन से उतरने के बाद ये लोग CAA के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इस घटना को देखकर CISF तुरंत एक्शन में आई और इन 6 लड़कों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। DCP मेट्रो ने कहा कि 12:30 बजे 6 लड़के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगा रहे थे। इन लड़कों को हिरासत में लेकर राजीव चौक मेट्रो पुलिस स्टेशन पर लाया गया, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। PTI ने कहा कि ये लड़के CAA के समर्थन में नारे लगा रहे थे। DCP मेट्रो विक्रम पोरेवाल ने कहा कि 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।